अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं दुनिया टेट मालिक अभी आपने कुछ मनाजिर देखे पहला मंजर था ये हफ्ते की रात को जून पंद्रह की रात को जब जियारत रेजिडेंसी पे कायदे आजम से सनानमस है ये कोई एक इमारत नहीं है नाजी वैसे बहुत इमारतें होती लेकिन कुछ इमारतों का तकद्दस और होता है कहने में ख़ाना काबा भी एक इमारत है जिस पर काला गिलाफ़ है लेकिन उसकी हरमो तकद्दस इस तरह ज़्यारत कोई फॉर्मर रेजिडेंसी नहीं है किसी की कोई एक पुराना सैनिटोरीम नहीं इसको कायदे आजम के नाम से जोड़ा जाता है अभी यही शौक चल रहा था कि फिर हमने देखा कि बारह बच्चियाँ और जख्मी तो बहुत ज़्यादा हुई उनको शहीद कर दिया कि जब ब्लास्ट हुआ एक बस के अंदर यह भी कुछ समझ नहीं एक दूसरी रेड लकीर थी एक पहली लाल लकीर क्रॉस की गई फिर दूसरी और फिर जब उन्हीं के लोहैक और उन्हीं बच्चियों को लाया गया बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर तो वहाँ पर फिर एक सूसर अटैक हुआ और वहाँ पर और शहादतें हुई उस दिन करीबन सत्ताईस लोग शहीद हुए पचास से ज़्यादा जख्मी और इसमें डी सी ओ कोयटा भी एफ टी के नौजवान एक डॉक्टर नर्सेस बच्चियाँ अजीब ए क्यामत थी क्या हो रहा है बलोचिस्तान में उसके बाद बहुत तकरीरें हुई एल ई जे ने लश्कर एंगवी ने क्लेम किया कि उन्होंने बच्चियों को भी उन्होंने मारा है और बुलान मेडिकल कॉलेज में भी उन्हीं का धमाका है जो जियारत की रेजिडेंसी को उड़ाने का वाक़ है उसको उसमें भी एक, एक गार्ड बेचारा शहीद हुआ उसकी जिम्मेदारी बलोचिस्तान लिब्रेशन आर्मी ने की बहुत कंडमनेशन हुई आज भी तकरीरें हुई पार्लियामेंट के अंदर आज महमूद खान अचक जाएगी तो इतना तो गुस्से में आया उनका इस्टेबलिशमेंट को उन्होंने आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि अगर इस्टबलिशमेंट को नकेल ना डालेगी तो भाड़ में गई ये असम्बली भी फिर बयान में उन्होंने बाद में अल्फाज वापस ले लिए क्या बलोचिस्तान एक वापसी वापसी का रास्ता वहाँ से है क्या बलोचिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है बलोचिस्तान का हल क्या है ये तो सिर्फ एक वाकियात हैं और उसमें हम बात करेंगे आज हमारे साथ इस्लाबा स्टूडियो में मौजूद हैं शाहजैन बुट्टी साहब नवाबजादा शाहजैन बुगति और ये जमहूरी वतन पार्टी के सूबाई सदर भी हैं और नवाब अकबर बुख्टी साहब के नवासे भी हैं हमें कराची में जॉइन किया है सैनिटर से, सैफ मगजी ने यह पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और मैं ये भी बताता चलूँ वो इनकी वजह शहरत नहीं है लेकिन एक नस्बत है कि अभी जो फॉर्मर गवर्नर बलोचिस्तान के जुल्फान मगजी ये उनके साहबजादे भी हैं बट बट अन्टलमेन इन इज़ ओन रे ज्वाइन भी करेंगे सलीम साफ़ी भी रिनाउंड जर्नलिस्ट करेंगे मैं ज़रा मगजी साहब से बात शुरू कर लेता हूँ सैफ ये बताइए कि ये जो जो वहाँ पे हो रहा है लेकिन पहले हम बात कर लें कि वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई है सब ने कहा नेशनलिस्ट जो से हैं अब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई डॉक्टर मालिक की और वो शायद बेहतर पोजीशन में होंगे बात करने की जो सेपरेटिस्ट भी हैं दूसरे जिस तरह डॉक्टर नजर हैं या ब्रामदा बुक्ति हैं या हरबि मरी हैं जो लोग पहाड़ों में हैं बाहर हैं लेकिन सुना यह जा रहा है कि जो से नवाब हैं बलोचिस्तान के वो बड़े इसके इससे इससे बदल हुए में और बाकी इश्यूज तो अपनी जगह लेकिन वो भी नहीं चाहते कि मिडिल क्लास ल, आ, का जो एक आ, चीफ मिनिस्टर है वो बलोचिस्तान के हल की तरफ जाए पहले ज़रा ये क्लियर कर दें कि यही मैंने सवाल शाहजैन से भी करना है क्या आप जो नवाब हैं बलोचिस्तान के क्या आप ख़िलाफ़ हैं उनके अस्सलाम वालेकुम मालिक थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हर आई डोंट थिंक कि कोई नवाब या सरदार जो हैं वो खिलाफ होंगे इस चीज़ की आई थिंक बड़ी खुशाइंद बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से एक मिडिल क्लास से जो ताल्लुक़ रखने वाले इंसान हैं वो आए हैं एज़ चीफ मिनिस्टर जो पहले आपने बात की कि जो ही माइट बी इन अ बेटर पोजिशन टू नगोशिएट कि वो बात कर सकें जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लीडर्स हैं सो so कॉल्ड सिर्फ एक नेशनल पार्टी के सरबरा को चीफ मिनिस्टर बनाना आई थिंक खाली वो एक रास्ता नहीं होगा कि आप उनसे बात करें सेपरेटिस से पहले आपको हालात क्रिएट करने पड़ेंगे बलोचिस्तान में इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि उनको बात करने का मौका भी मिले बिकॉज वो ख़ुद भी आप देखें इलेक्शंस से और इलेक्शन से पहले वो उनकी अपनी पार्टी के एक्टिविस्ट भी टारगेट हुए हैं और उनको सेपरेटिस्ट नहीं टारगेट किया है नहीं तो आप चलिए मैं इस, वार इस वार बार इस वक्त शाहजैन से भी यही सवाल कर लूँ शाहजैन पहले तो ये बताएं कि जो बलोचिस्तान में हालात हुए हैं ये जो अब एक हम नया वहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह बी एल ए है लश्कर जंगवी है नज़र आ रहा है कि इनका आपस में एक नेक्सस बन गया ताल्लुक़ बन गया इन तमाम लोगों का और दूसरी तरफ तो यह भी हम सुन रहे हैं कि जितने नवाब हैं आप लोग जो पुराने पावर होल्डर्स थे आप लोग भी मुखालफत कर रहे हैं इस गवर्नमेंट की और एक मिडिल क्लास चीफ मिनिस्टर की तो आप भी अब अब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बड़ा खुल के बन गए देखें जी आ, हम लोगों में से किसी ने इनकी मुखालफत नहीं की हमने जब देखा कि एलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे तो हमारी जमात ने बाइकआउट कर दिया इलेक्शन से हमें जाने नहीं दी गया एरियाज में न आ, आ, उस एरिया में वोटर्स जा सकते थे न कैंडेट जा सकता था और काफ़ी जगहों पे पोलिंग शिफ्ट किए गए तो हमने जाहिर हमारा हक है हमने बाइकआउट कर दिया पूरी जमात ने बलुचस्तान से भी पंजाब से भी हर जगह से इसके अलावा जहाँ तक आप आ, ये जो गिरोह हैं वहाँ पे जैसे बलूच हैं या दीगर हैं आप बात करते हैं कि बोलो आपस में एक हो गए इसके बारे में जितना मैं जानता हूँ तो ये अलग अलग इनके अलग अलग मकसद हैं जो बलूच बी एल ए या दीगर हैं ये आज़ाद आज़ादी की बात करते हैं और जहाँ तक आ, दूसरी तनजीमें हैं उनका एक अलग रोल है और जो कोयटा में जिस तरह ये वाक्य पेश आया उसकी हम जितनी मजम्मत करें वो कम है और बलोच तारीख में औरतें और बच्चों को आ, कभी हाथ नहीं लगाया गया जितना जंग व जदल हो वो मुस्तना है माँ बहन के तो के रास्ता छोड़ दे बलोच वा... नहीं है बलोच देखें ये बी एल ए हो गया या दीगर वैसे तनजीमों से हट के भी अगर आप बलोच की रवायत देखें तो तारीख कवा है कि कतन भी औरतें और बच्चों पर जितना भी जंग व जदल हो कभी मारा नहीं गया तो इसमें बलूचों का हाथ नहीं जहाँ हमें सलीम साफ़ी साहब ने भी ज्वाइन किया है सलीम मैं बात कर रहा था कि ये बी एल ए और इनकी भी जो लश्कर जंगवी वगैरह हैं इनमें लगता है बड़ा नक्शस आ रहा है जो बलोच हापसंद तनजीमें दो तीन वाक़ हम देख रहे थे रिसर्च में कि जब अलमदार रोड का जिस दिन वाक़ हुआ बहुत खौफनाक जब किलिंग हुई उसी दिन सुबह बी एल ए ने बम्ब्लास्ट किए मिज़ान चौक में दो तीन घंटे पहले फिर जब एफ सी चेक पोस्ट पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई उसी दिन यू बी ए ने जो यूनाइटेड बलोचितान आर्मी थी उन्होंने तीन धमाके और एक सुसाइड बॉम्बिंग की आज ये जुमे को हमने देखा सुबह रेजिडेंसी का वाक्य होता है सारी एडमिनिस्ट्रेशन सब उधर मसरूफ होते हैं फिर हम देखते हैं कि ये सुसाइड बॉम्बिंग भी हो जाती है बस में भी किलिंग हो जाती है सब कुछ ये जो एक नया पैटर्न बन गया है वहाँ पर और क्या ये सिर्फ़ हवाई मफरूा है कि जो वहाँ के सरदार हैं वो भी अब एक तरफ खड़े हो गए हैं नेशनलिस्ट गवर्नमेंट एक तरफ खड़ी हो गई है और ये मिडिल क्लास और सरदारी की जंग एक बलोचिस्तान में एक नई डमेंशन आ गई है नहीं मालिक साहब मैं नहीं समझता कि इस तरह है एक तो अगर आप देखें तो सरदारों का भी तो ठीक है कि ये एक तफरीक है कि सरदार और गैर सरदार का लेकिन ख़ुद सरदारों के अंदर भी वो इख्तलाफ जो है वो इतना ज़्यादा है कि कभी ये उसी तरह इकट्ठे नहीं हो सकते मसलन अगर रईसानी साहब इकतदार में आते हैं तो उनकी पहली तरजीह रिंद को कॉर्नर करने की होती है बनस्बत मैंगल साहब के या बनस्बत डॉक्टर मालिक के या किसी और की और अगर वो इकतदार में आते हैं उनको मौका मिलता है तो उनकी पहली तरजीह यही होगी दूसरी बात लेकिन यहाँ फिर एक सवाल उठता है अभी सोनाउला जहरी साहब का हादसा हुआ इलेक्शन में उनके बेटे मारे गए भाई भतीजा उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया अपना खैरब्स मरी साहब पे ठीक हाँ। है ना अख्तर मेंगल पे ठीक है तो, लेकिन लेकिन जब ये गवर्नमेंट बन गई अब्दुल मालिक की डॉक्टर अब्दुल मालिक की तो उन्हीं का बेटा जो है क्या उसका नाम है जंगेज आ, मरी वो उन्हीं के साथ फिर रहा है उनके वालिद पे उनका कत्ल का मुकदमा है और बेटा उनके साथ हर जगह फिर रहा है तो, तो फिर ये सरदार तो इकट्ठे हो गए ना ये तो पूरे जो तो वहां का सरदारी निज़ाम है या जो तो, बलुचिस्तान के सियासी सूरत हाल है उसके ये बड़े इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स है मसला चंगेज मरी साहब जो है वो एक कौमी जमात का हिस्सा है और उनके दूसरे भाई जो है वो पहाड़ों पर गए हुए है exactly. खुद अख्तर मैंगल साहब की भी यही सूरत हाल है फिर अगर आप इनकी फैमिली जावेदल इनकी फैमिली में भी आप देखें हाँ। तो आपको इनके अप्रोच में या शायद बुकटी के अप्रोच में या उसमें भी फर्क नजर आता है तो, अलग हाँ, अपना कर रहे हैं दूसरी ये माशाल्लाह हमारे साथ इधर इस्लामाबाद में बैठे हुई और हमें खुशी है और हमें हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि बरामद भी किसी दिन इसी तरह हमारे साथ बैठे हों इस सिस्टम का हिस्सा हो लेकिन जाहिर बात है कि बरामदाग ने पूरी रियासत को चैलेंज किया हुआ है तो ये इख्तलाब तो सरदारों के माँ भी है और भाइयों के मा भी है दूसरा जो टी टी पी का और लश्करी जंगवी का या बलोच मिलिटेंट का नेक्सस है तो इसमें कोई शक नहीं अगर आपको याद हो तो कोई सात महीने पहले तहरीक तालिबान ने बाकायदा तौर पर ओपनली मीडिया में एक प्रसिलीज़ के ज़रिए बलोच मिलिटेंट से ये अपील की थी कि हमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए और जब भी इस तरह की तनजीमें होती हैं मसला आपने देखा ना कि इनके मुकाबले के लिए भी बाज़ात मतजाद कुवतें एक हो सकती है जिस तरह कराची में हमने देखा कि जब टी टी पी का ख़तरा आ गया तो एन पी और एम क्यू एम वो एक हो गए हालांकि उससे पहले एक दूसरे के साथ लड़ते थे तो इसी तरह बाज़ात रियासत को चैलेंज करने वाले अनासर भी वक्ती तौर पर इकट्ठे हो सकते हैं या जॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं लेकिन जहाँ तक इन दोनों का ताल्लुक है तो देखें नज़रिया टी टी पी और लश्कर जंगवी का बिल्कुल एक एक्स्ट्रीम पे है और बी एल ए जैसी तनजीमों का दूसरी एक्स्ट्रीम पे है टी टी पी और लश्कर जंगवी की जद्दहद या स्ट्रगल का बेसिक महरिक वो मज़हबी है इनका जो बेसिक मोटिवेशनल फोर्स है बलोच बेलेटिन का वो मज़बी नहीं है बल्कि उसमें नेशनल है बलोच नेशनलिज़म है फिर अगर आप देखें तो इन लोगों ने पाकिस्तानी रियासत को चैलेंज किया हुआ है बलोच मिलिटेंट ने और वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं आज तक टीटीपी वालों ने पाकिस्तान का झंडा नहीं जलाया और वो क्लेम ये कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की दफा का जंग लड़ रहे हैं तो अगर आप नज़रियाती लिहाज से देखें और पस मंज़र और अहदाफ़ के लिहाज से देखें तो बलोच मिलिटेंट में और तालिबान या लश्करी जंग में कोई कदर मुश्तक नहीं हाँ वक्ती तौर पर चूँकि इस वक्त दोनों रियासतें पाकिस्तान से लड़ रहे हैं तो किसी एक दिन की कार्रवाई के लिए किसी महीने साल की कार्रवाई के लिए वो एक दूसरे के साथ के अमल भी कर सकते हैं और दूसरा वो क़वत बैरूनी जो अफगानिस्तान में बैठ के या बाकी पड़ोसी ममालिक में बैठ के पाकिस्तानी रियासत को ख़राब करना चाहती हैं इनको लड़ा मसलन जो इन पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं यकीनन वो ये चाहती हैं और ये वो करेंगी कि जितने भी मुतजाद किस्म की इस तरह की तनजीमें हैं उनको पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन कर लें सिर्फ मक्ज़ी को रहा ले लें सिर्फ आप लोग गवर्नमेंट में रहे आपका गवर्नर भी आपका आपका चीफ मिनिस्टर भी आपका पाँच साल हमने बातें भी सुनी ये फ़ॉरन पावर से मुझे याद आया जैसे सलीम साहब ने भी बात की है इंडिया की जी बात जी हुई, हुई शर्मुलशेख में बड़ा इशू उठाया वहाँ पर पाकिस्तान डेलीगेशन है ये वो हम लोग नाम क्यों नहीं लेते अगर इंडिया इन्वाल्वड है हम नाम क्यों नहीं लेते पाँच साल में आप लोगों की गवर्नमेंट थी बलोच मसला क्यों नहीं कहीं पर आगे चला आगाज़ हकूक बलोचिस्तान की बातें हुई ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ अब क्या हल है हाउ डू वी गो फॉरवर्ड कि ये तो वाक़त होते रहेंगे और अभी हम इस पर भी बात करेंगे कुछ मेरे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी हैं जो मैं शेयर करूंगा कि क्या कैपेसिटी है क्या कैपेबिलिटी है लेकिन पॉलिटिकली आप मुझे बताएं कि क्या आ, क्या हम लोगों से बात करें जो लोग आके मार रहे हैं उनसे ही बात करें क्या मैसेज जाएगा देखें ना इसके दो पस मंजर हैं कुछ लोगों की बिल्कुल ये राय होगी कि इस तरह के जो मिलिटेंट्स हैं इनसे बात नहीं करनी चाहिए और ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और एक तरफ ये बात पॉलिटिकल फोर्सेस करती हैं कि जी निगोशिएटिंग टेबल पे इनको लाना चाहिए जो मेन बात है वो ये है कि जी अगर आपने बात करनी भी है फ़र्ज़ करें आपने बात करनी है उनसे तो आप पहले तो हालात ऐसे क्रिएट करें कि वो बात करने के लिए राज़ी हों अभी तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई बात करने के लिए राज़ी है और यहाँ से अगर मैं उठ के कह दूँ कि जी हम जाके बात कर लेते हैं तो हम किस से बात करें अगर अगला राज़ी नहीं है अब देखें ना पिछली गवर्नमेंट में भी बहुत बड़ा इशू ये उठा और अभी भी ये इशू चल रहा है जिस दिन चीफ मिनिस्टर ने ओथ लिया है उस दिन भी बुलेट रिटल बॉडीज मिली हैं में मिसिंग मेंसन एक बुनियादी पांच, इशू पांच है उस जी बिल्कुल अब जब तक आप इन बुनियादी मसलों को हल नहीं करेंगे अगला नगोशिएटिंग टेबल पर कहाँ आएगा हम तालिबान से भी निगोशिएशन की बात करते हैं बिल्कुल अला सतह पर भी ये बात होती है बट कोई हालात ऐसे हैं जो आप उनसे जाके बात करेंगे आप बताएं ये बरामदा मुख्ती आपके तो कबीले से आपके ख़ानदान से हैं इनसे बात हो सकती है देखें सबसे पहले वफाक को बलूचतान के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा बहाल की जाए उसके बाद आप बातचीत पर किसी को ला सकते हैं अगर आपको याद हो पिछली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बलूचों से रबते में हैं रबते का ये मकसद नहीं है कि आप वज़ी वजीर्या, वज़ीअला बलोचस्तान उनकी कैबिनेट को ऑन बोर्ड लें और आप कहें कि हम बलूचों से रबते में हैं घर बुख्ती का जलता है आप कैबिनेट से बात कर रहे हैं तो जब तक जो अफेक्टिव लोग हैं उनको ऑन उन बोर्ड नहीं लेंगे या हालात वैसे नहीं बनाएंगे कि वो आपके साथ बैठ सकें तो तब तक तो मसले का हल नहीं निकलेगा लास्ट गवर्नमेंट में हमने एलेक्टेड गवर्नमेंट को भी बताया हमने बोला कि अतमाद बहाल करें और जो दूसरी पोलिटिकल फोसेस थी और मजहबी जमातों के सरबराहान थे हमने उनको वाजह करके बताया हमने बोला बलूचतान में किसी एक कबीले के लिए मैं नहीं कहूँगा ओवरऑल मिलिट्री ऑपरेशन का खात्मा एक आ, मिलिट्री का विड्रॉ करना दो एजेंसीज़ को जो इतने अख्तियार दिए हुए हैं इसका खात्मा इक्वलेंट किया जाए जैसे पंजाब में अब हम फेडरल में बैठे हैं जिस तरह यहाँ हैं उस तरह पे तीन तीन कंटोनमेंट्स जिनके ऐलानात कैंसिलेशन के साथ आपका वजी अजम यूसुफ़ रज़ा गिलानी और आर्मी चीफ ने खुद किए थे। किस तरह आप मिलिट्री को हटाए कभी नहीं, आप हटाने वो सारावान वन और टू रोकी जाती की उसमें से बंदूकें ड्रग सब कुछ निकलता है किस तरह हट जाए फौज अगर हम पे इल्जाम लगाया गया कि हमारे काफिले से भारी मैदार में असला बरामद हुआ ये असला पहले बरामद नहीं हुआ था जिस दिन हमने डेरा बुकटी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तभी हमारे पास असला आ गया था ये तो सिर्फ एक आ, फिर आप देखें चलें हम हकूमत ने कुछ नहीं किया हम कहते हैं कि ये प्लान था हमारे ख़िलाफ़ लोग कहते हैं हर कोई अपनी डिफेंस में बात करता है हम 28 दिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट के आ, उन्होंने हमारी ज़मानत मंजूर की हम बाहर निकले हम एज़ प्लान पंजाब आए इस्लामाबाद आए कराची गए आ, फिर वापस क्वार्टर 27 जनवरी 2011 को जब हम पहुंचते हैं तो हमें आ, मीडिया को मीडिया से हमारी मुलाकात थी सरीना होटल में और मीडिया वाले कहते हैं जी आप तीन माह के लिए नज़रबंद हो चुके हैं तो यहां से आपको अंदाजा होना चाहिए कौन से करे? बात करें सबसे करे? बा... करे? सब पहले जैसे मैंने आपसे कहा की नोगो एरिया खत्म करें हम ये नहीं कहते की मुकमल तौर पर फोर्स को वहां से विड्रॉ किया जाए ये जो एडिशन ऑफ फोर्स जब भेजी गई थी बलुचि में मुशरफ के टाइम में जब ऑपरेशन किया कंडक्ट हुआ था उनको विड्रॉ किया जाए बाकी तो एज इट इज मुशरफ से पहले भी डिस्ट्रिक्ट डेरा डेराबुगटी में एफसी मौजूद थी कोयटा में बैठे हैं पूरा कैंट है कोईटा में आपका हर जगह में एफसी बैठी है उस पर कभी कथन किसी ने एतराज़ नहीं किया ये अब डिस्ट्रिक्ट डेरा डेराबुगट्टी में मुशरफ दौरे हुकूमत में सवा लाख के करीब फोर्स भेजी गई तो इतनी फोर्स की तो एक डिस्ट्रिक्ट में जरूरत नहीं है ना सलीम किससे बात की जाए देखिए एक तो ये बड़ा अजीब अलमिया है कि यकीन जिस तरह शाहजैन साहब कह रहे हैं कि अहतमद साजी होनी चाहिए और उसके लिए कुछ सी बी एम्स भी होने चाहिए लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बचती मसला अभी ये जो नई हुकूमत आई हुई है अभी हमने उनको आज़माना है मुझे अब भी यानी ये, ये उम्मीद है कि अगर ये जो नई पोलिटिकल सेटअप है इन इसकी क़्यादत अगर अपने वादों पर कायम रहती है और उसको अमली शक्ल देती है तो इन ये मसला हल हो सकता है लेकिन अभी देखें कि जो डॉक्टर मालिक साहब आ गए उनके एजेंडे में पहला नुकता भी और दूसरा नुकता भी और तीसरा नुकता भी मिसिंग पर्सनस का है अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है लेकिन उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ पहला इकदाम क्या हुकूमत ने किया मिलिटेंट के ख़िलाफ़ या बलोच नेशनलिस्टों के ख़िलाफ़ या कि उन्होंने किया ज़्यारत में जो तो पहल हुई उनकी तरफ से हुई तो एक तो ये कि खसूस शाहजन साहब जैसे लोगों को ये रोल प्ले करना एक, एक बात आए बड़ी खुल के क्या सरदार पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है ये नवाब और सरदार के पार्ट ऑफ सोलूशन है एक हमारे साथ बैठे हुए सरदार एक नवाब हमारे साथ नवाबजा बैठे हुए हैं कराची में क्या ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है पार्ट ऑफ सोल्यूशन है ये देखिए ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम भी है और पार्ट ऑफ सोल्यूशन भी है जिस तरह इस वक्त हमारे रियाती इदारे जो है वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन भी है और पार्ट ऑफ प्रॉब्लम भी है इसलिए मुझे ख़ुद यानी सरदारी निज़ाम से मुझे भी इख्तलाफ होगा और फिर अगर हम अलग से सरदारी निज़ाम पर आ जाएँ तो मेरे ख्याल में जो हालत हमारी इस्टेबलिशमेंट ने पिछले पचास सालों में या जिन नज़रों से वो अवाम को देखते रहे और तो शायद कम वेश यही मामला अभी चलने देखी डॉक्टर मालिक की गवर्नमेंट को मैं अभी बलोचिस्तान में था और मैंने बड़े सीनियर लोगों को ये कहते सुना और जो सोनाला जहरी साहब के करीबी लोग थे और वो अपने दोस्तों को कह रहे थे कि हौसला रखें हमें कहा जा रहा है छः महीने सबर करें तब तक आप ही की हुकूमत बनेगी आप ही का चीफ मिनिस्टर आएगा तब तक डॉक्टर मालिक को हम फारग करवा देंगे ये ओपन बात अभी शुरू हुई है अभी कितने दिन हुए वो उठाए हुए देखिए मालिक साहब एक तो ये है ना कि अब एक तो जिधर जिधर आग भड़की थी पहले तो ये है कि सिर्फ वो दूसरों के आग में जलती रही लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट के सरखील होते थे या जो मराक़ होते थे वो उससे बचे रहते थे अब पिछले सालों में एक ये तब्दीली आई है कि आपने देखा कि जी इसकी पे भी अटैक हुआ आज भी मैंने लिखा है कल चप जाएगा कि भाई ये जो पाकिस्तान स्क्वीज़ हो रहा है लाहौर और इस्लामाबाद की जानब तो ये लाहौर जब बलूचिस्तान में भी आग होगी जब कराची में भी आग होगी जब खैबर पखतनख्वा में भी आग होगी तो ये कब तक जो है लाहौर और इस्लामाबाद सलामत रहेंगे एक तो ये बहरहाल अब उनको भी ये एहसास होने लगा है दूसरी चीज़ ये कि अब इस्टबलिशमेंट भी उसी तरह उन पुराने तस्वर के साथ नती नहीं है लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ यह है मालिक साहब आप बेहतर जानते हैं कि सियासी क़्यादत अगर विल का और एहलीत का मुजाह करे तो फिर जाहिर बात है कि इस्टेब्लिशमेंट और उनको अपना रास्ता छोड़ना एक, 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 एक मिनट हाँ। में एक से एक मिनट जब वजी अल साहब ये होंगे कि वो इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों पर चक्कर लगाते होंगे जो ये कहेंगे साहब हाँ। तो जाहिर बात है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत बड़ी है मेरे ख्याल में आप और मैं भी होंगे तो मैं भी उनको ताकत और इख्तियार अभी ब्रेक पे जाएंगे ब्रेक के बाद आके मैं आपसे दो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा इस इन वाक्यात के बारे में और दूसरी बात एक बहुत ही सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि जी हमें लोग कह रहे हैं कि एफ को पुलिस की पावर दी जा रही है हालात ठीक करने के लिए तो उन्होंने कहा कि आप पुलिस को अब एफ़ को पुलिस की पावर्स दें पुलिस को एफ की पावर्स दे दें हम सुबह संभाल लेंगे ये क्यों कहा जा रहा है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में ये ताने बाने काम मिलाए जा रहे हैं और ये जो 40 40, 40 50 50 वीगोस के काफिले हैं सरदारों के भी पॉलिटिकल लीड के भी बलोचिस्तान में इसकी फंडिंग कौन कर रहा है कैसे ये खर्चे उठाए जा रहे हैं हमारे साथ रहिएगा

कोयटा पुलिस के पास बलोचिस्तान पुलिस दादर सिर्फ वेपन्स हैं व्हीकल्स हैं और वायरलेस सेट हैं इसके अलावा कोई हमारी कैपेसिटी नहीं है कोई हमारी ट्रे, ट्रेनिंग नहीं है कोई हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास तो कोई एक इंटरसेप्शन सुनने के भी नहीं है वो भी हमें आएस आई या दूसरों से मिनतें करनी पड़ती हैं तो उन्होंने कहा जी हमें मेरिट पे भर्ती कराएं हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और सबसे ऊपर पूरे मुल्क से अच्छे अफसर लाएं और तब की बात शुरू होगी लेकिन साथ ही हम देखते हैं एफ सी हर कोई एफ सी के गुन गाता है कोई प्यार से गाता है वो गाता है बुकटी साहब ये बताएं आपको और एफ का पुराना प्यार चल रहा है आपका काफ़ी दुख भरी दास्तानें भी हैं लेकिन हमें यह भी कहा जाता है कि एक बलोचिस्तान के मसले के अंदर एफ के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रेवी ट्रेन भी बन गई हुई है एक तरफ वो अच्छे काम भी कर रहे हैं पकड़ भी रहे हैं लेकिन एक तरफ करप्शन भी बड़ी है स्मगलिंग को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं वो और पुलिस और सारे और ये मुझे अभी टॉप लोगों ने बताया कि एक ट्रक आता है कंटेनर तीस हज़ार एफ वाला लेता है दस हज़ार लेवीज वाला लेता है पाँच हज़ार पुलिस वाला लेता है कोयटा पहुँचता है ईरान बॉर्डर से इसको ये भी इस सारे मसले का हर, ए, में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है देखें थ्रू अफगानिस्तान एंड ईरान बॉर्डर काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं और यहाँ से काफ़ी चीज़ें जाती हैं अगर वहाँ से खाने पीने की अशया आती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ख़ुदा न खासा रियासत की सलामती को खतरा हो मगर जैसे कि बारूद हो गया और दीगर चीजें मनशियात हो गए उस तरह की चीज़ों के लिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कीमत पे लॉ इन्फोर्समेंट का चाहे कोई भी इदारा हो पैसे लेके नहीं छोड़ना चाहिए हो रहा है कि नहीं हो रहा देखिए पुलिस एफसी सी क्या ये करप्शन में मुलवस है देखिए करप हमारे बलुचस्तान में कौन सा इधारा करप्शन में मुलिस नहीं था एक पुलिस वाला भर्ती होता है वो पैसे देके भर्ती होता है एक एक्साइज में इंस्पेक्टर भर्ती होता है वो पैसे देके भर्ती होता है एक डी अपने पोस्ट पर बैठने के लिए महाना वजी अला साहब को या का वजीर को इतने पैसे देता है तो यकीन या आप बलुस्तान सली, सलीम सलीम साहब साहब मुस्कुरा भी रहे हैं और सर भी आपके साथ साथ मार रहे हैं तो फिर ये लॉ एंड ऑर्डर के मसले में बहुत बड़ा मसला है ना देखें ये बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है देखिए यह बदकस्मती है कि जहाँ पसमानदगी सबसे ज़्यादा है लोगों की मिजरी सबसे ज़्यादा है वहाँ करप्शन भी सबसे ज़्यादा है आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाकी देखें तो पिछले सालों में खैबर पख्तनख्वा और उससे भी बढ़ के फाटा में और उससे भी बढ़ के बलूचिस्तान में करप्शन हुई आप देखें कि कितने अरब रुपये बलूचिस्तान में गए लेकिन वो उसका दस बीस फ़ीसद भी आज ज़मीन पे नज़र नहीं आ रहा खर्च नहीं हुआ अच्छा फिर ये बात इनकी ठीक है कि सबसे ज़्यादा सिफ़ारिश और करप्शन वहाँ पे चलती है लेकिन कौन होते हैं आप पिछले चालीस पचास सालों की हिस्ट्री निकाल लें गवर्नर कौन होगा वजी अल कौन होगा बाकी सारा वो फिर सरदार हो जाते हैं जाहिर बात है उन तक वो हिस्सा चला जाता है फिर जिस तरह बाकी मुल्क में एक बहुत बड़ी तफरीक हो गई है गरीब और अमीर के दरमियान इसी तरह यही तफरीक आपको मसलन ये मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ हमारे खैबर फाटा में आप देखें कि आम आदमी के बच्चे को स्कूल भी आम कच्चा स्कूल गारे का स्कूल भी अवेलेबल नहीं है उसको टाट पे भी पढ़ना नसीब आया लेकिन ग्यारह सौ परसेंट किया जमाना ऐसा था कि पाकिस्तान के अमीर तरीन बंदे का ताल्लुक फाटा से था आज भी लाहौर में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो फाटा के एक बंदे की है यही बलोचि में भी है कि बलोचिस्तान में आम आदमी को झूमपड़ी भी मैसर नहीं है लेकिन वहां ऑपरेट ये ये करते हैं जाहिर है इस करप्शन के माहौल में ज्यादा इजीली ऑपरेट करते हैं ना देखिए मैंने आपको बता दिया ना कि जो बलोचिस्तान के इस वक्त मिजरीज हैं उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट वहां के सरदार वहां के वडेरे ये सब इसमें हिस्सेदार हैं और हल के लिए भी सैफ मगजी साहब सलीम साफी ने कहा है कि जो बलोचिस्तान के मसाइल हैं लॉ एंड ऑर्डर के उसमें सारे करप्शन के अंदर और सारा ये जो निज़ाम तबाह किया हुआ है उसमें सारी इस्टेबलिशमेंट नवाब सरदार आप लोग सारे शामिल हैं सो यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम किस तरह आपको पार्ट ऑफ दूसरे जी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में सलीम साफी साहब ठीक भी कह रहे हैं कि वी माइट बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड पहले उन्होंने ये भी कहा कि वी आर पार्ट ऑफ द सोलूशन ऑल्सो अब देखे ना इस्टेब्लिश में अभी बात हो रही थी डॉक्टर मालिक साहब बने हैं और मैंने कहा भी बड़ी खुश बात है बट देखिए खाली उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दे देने से तो कुछ नहीं बदलने वाला बलोचिस्तान में फेडरल तो गवर्नमेंट अगर या मुझे तो एक मुझे तो एक सिविल मिलिट्री डिसकनेक्ट नज़र आता है बलोचिस्तान में जो पिछले पैंसठ साल से है जब से पोलिटिकल गवर्नमेंट्स भी आई हैं एक डिसकनेक्ट है एक स्ट्रैटेजी दोनों की नहीं रही है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की फर्क रही है, की फर्क रही है की से दिश्क ब्लेम नहीं कर सकते तीनों जिम्मेदार है फेडरल गवर्नमेंट भी है पोलिटिकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तीनों जिम्मेदार है किसी एक के ऊपर आप नहीं कर सकते हैं जब तक तीनों एक सीध नहीं लेंगे एक लाइन ऑफ अपना जो स्ट्रेटजी है एक लाइन पे नहीं लाएंगे आप के मसले आसानी से हल नहीं कर सकेंगे अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त जेनुअमेट स्टेक होल्डर्स बलूचिस्तान में कौन है जिनसे बात होनी चाहिए क्या हरबियार मरी या बरामदा बुखती जो दोनों नहीं मानते स्टेट की रेट लेकिन वो फसाद में इन्वॉल्व हैं क्या डॉक्टर नजर जो है वो फसा क्या क्या इन लोगों से बातचीत चाहिए वही है जो जी देखे ना जेनुआइन स्टेक होल्डर तो वही लोग हैं जो ऑन ग्राउंड बैठे हुए है ना बलोचिस्तान में अब आप कहेंगे जी वो ये लोग तो बैठे नहीं, बाहर तो उनसे नहीं नहीं बात तो बह के हालात तो पहले बनाए ना कि कोई आपसे बात करने के लिए बैठे भी आपने तो अभी तक मैं ये पूछूं तो हम कहां से शाजन शुरू करें क्या अख्तर मैंगल से शुरू करें आप से शुरू करें आ, नजर बलोच से शुरू करें फिर बरामदाग पे जाएं हरबियार पे जाएं आ, किस तरह शुरू करें सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी कहा जब हम लोगों ने अपने बातचीत शुरू की मैंने कहा एतमाद की फिजा बनाइए बा, किस तरह वही मैं पूछ रहा हूँ किस तरह मिलिट्री ऑपरेशन का खात्मा करें जो छोटे बड़े कैरियर जब ये या उनकी उनकी जमानत देगा कि ये भी ऑपरेशन रोकेंगे मेरी बात सुनिए मिलिट्री ऑपरेशन का खात्मा मिलिट्री जो बहुत ज़्यादा अंदर मूव करके लाएँ उनको विड्रॉ किया जाए तीन कंटोनमेंट्स जिनके ऐलान ख़ुद सबका वजी यूसुफ रज़ा गिलानी और आर्मी चीफ ने किए थे कि ये कैंसिल हो चुके हैं सूई में कोल्लू में और ग्वादर में वो कैंसिल होने चाहिए वो आज भी बदसूरत अपनी जगह कायम है मसक शुदा लाशें

कबीला भी अकेले कुछ नहीं है जब मुश्तरक तौर पर बैठते हैं तो देन इट्स कबीला देन देर अ सरदार ठीक है ना जी इसके साथ साथ मशक़ शुदा लाशों का सिलसिला है इसके साथ साथ तेरह हज़ार से ज़्यादा लोग लापता हैं उनका उनको मंजरेआम पर ला के रिहा किया जाए नगो एरियाज़ को खोला जाए इसके साथ साथ आप कराची में देखें पिछले साल हमारे औरतें बच्चों को इकतीस जनवरी को किस तरह से वहाँ शहीद किया गया ये कोई अच्छा काम तो किसी ने नहीं किया हम हमने कोई इतना बुरा काम भी नहीं किया अगेन शॉर्ट टर्म दावत किसी को देंगे उससे पहले बगैर और शराय के फेडरल गवर्नमेंट कुछ इम्प्लीमेंट करे के नजर आए के सीरियस शर्तो के प्री कंडीशंस के आप खोलें बात इसके साथ साथ बुकटी आई डी पी अड़तालीस दिन से इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने बैठे हैं किसी भी जमात का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया उनसे पूछने कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं आप किस हाल में हैं और इफ्तार चौधरी साहब ने भी इसका नोटिस नहीं लिया हमें बड़े, बड़ा इसमें दुख हुआ क्योंकि हम भी अभी, अभी मुझे एक ब्रेक लेना सलीफ आपसे आगे पूछूंगा और बाकी पार्सों से ही कि क्या मेजर्स हम ले सकते हैं क्या वक्त आ गया अब हम देखा जाए तो क्या बड़े मरीज साहब से बात हो सकती है बड़े मेंगल साहब बैठे हुए उनसे बात हो सकती कोई उनसे बात क्यों नहीं करता कि वो भी प्रीमिच्योर हैं बात कहाँ से चलाई जाए और बजाय से कि हम हवा में बातें करें कि ये ताल्लुक बढ़ने चाहिए स्पेसिफिक मयस की कोशिश करेंगे हमारे सामने है। हमारे साथ रहिएगा जी प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद ब्रेक से जाने से पहले मैंने ये बात कर रहा था कि क्या होना चाहिए आप से शाहजैन शुरू करते हैं पहले तो एक चीज तो मुझे बताएं मैं बलोचिस्तान में जब भी जाता हूँ आप लोग सरदारों के किसी की अट्ठाईस वीगो किसी के छब्बीस वीगो और बंदों से भरे हुए नई नई पगड़िए नए नए असले अभी भी आप आए अभी भी आपका सात आठ गाड़ियों का माशाला बार काफिला उसमें एक कैडिला कैसकेडा भी है सब कुछ है वैसे देखते हैं तो इतनी गुरबत सब कुछ कौन ही खर्चे कहाँ से हो रहे हैं देखें जी बाकियों का जवाब तो वो आपको खुद देंगे बाकी अगर हमारे आपने कौन की बात की हमारी ट्राइबल एनिमिटी है काफ़ी पुरानी और इसकी वजह से अपनी दिफा के लिए हम लोग ये आ, खर्चा से उठाते हैं जी हमारी अपनी सिंध में ज़मीनें बलूचिस्तान में अभी डिस्ट्रिक्ट डेरा डेराबुकटी में जितनी भी जमीनें थी उधर तो हम जा नहीं सकते हैं बाकी ओ जी डी सी एल के पास हमारी लैंड हैं उनका रेंट देते हैं हमें जमीनों से आठ दस करोड़ रुपये सालाना मिलता है हम लोग फसल लगाते हैं तो हम अपने एक्सपेंडिचर अच्छा मुझे तीन स्टेप्स बताएं तीन ऐसे कदम क्या होने चाहिए बलोचिस्तान में कि कोई हो और दूसरा क्या ये डॉक्टर नजर जैसे लोग यहाँ पे हैं क्या है ये बात करेंगे इस गवर्नमेंट से तीन नहीं पांच होंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो इतना है वहां ये, इसका खात्मा... को अप करें। नहीं नहीं खिलाफ की बात नहीं कर रहा इंटेलिजेंस इधारे आपके इस्लामाबाद में भी हैं पंजाब में भी है जितना यहाँ पे एक्टिव है उतना वहां अपनी पे हदों में रहे जी सही। जिसका जो काम है अपने काम में रहे इसके साथ साथ मशक्शुदा लाशें हैं मिसिंग पर्सन हैं और ऑपरेशन का खात्मा ये आप मेजर्स अगर फेडरल गवर्नमेंट उठा लेती है

ग्रीन एरिया में जाके रहे आपका घर हम में। कि मैं में एक तो ये, कि ये कुछ चीजें सब फरीकों ने लिया हुआ है और पूरी तरह वो आप ये देखें कि ये मामला इनका बड़ा जेनवन है कि अगर इनको अपने एरिया में नहीं जाने दिया जा रहा है और ये भी बड़ी ज्यादा है यहाँ पे इनके लोग बैठे हुए और कोई वजीर आजम सदर उनके पास जाके उनकी बात नहीं सुन रहा लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी देखें मेरे ख़्याल में जितने रियासत इनका ख्याल रख रही है मसला मतलब नबी शाहजैन साहब कह रहे थे ना पाकिस्तान के किसी एक इलाके में हम तो कम अज़ कम अपने कबायली इलाकों में या वहाँ पर इस चीज़ का तस्वुर भी नहीं कर सकते फौज तो बहुत बड़ी बात होती है जब हुकूमत कहती है इधर मैंने सड़क बनानी है इधर मैंने फैक्ट्री बनानी है लोगों की मर्ज़ी हो या नहीं हो मतलब वो उसके हमने से इनके कहने पर देखें अभी ये कह रहे थे ना कूलू का जो था वो तो अभी तक बना ही नहीं था कंटोनमेंट इनके मुलाबे पे फौज उससे वो दस्बरदार हो गई फिर सिब्बी का जो सुई वाला था वो बना हुआ था वो बिल्डिंग अब एजुकेशनल मकासद के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है फिर आप देखें कि फौज में जो इंसेंटिव इन लोगों को दिए गए हैं पाकिस्तान में किसी जगह आज भी सिफाई के लिए लोग हमसे मन्नते करते हैं सिफारिशें करते हैं हमारे पठान के भाई उसको फौज में सिफाई इनको खसूसी राय चाती तक में कद तक में बाकी सब चीजों में यह रियायती दी गई तो एक ये स्टेप बताए बताए स्टेप, स्टेप स्टेप पहला स्टेप कि इस वक्त जो सूबे में क्यादत आई है वो पिछली मरतबा की तरह जाली क्यादत नहीं है उसको इस्टेब्लिशमेंट भी और मरकज भी सपोर्ट कर मुकम्मल इख्तियार भी दे और वसाइल भी दे और सपोर्ट भी करे फिर ये सवाल होते हैं कि किस से बात करें तो वो बात सैफ मक्सी साहब के बिल्कुल ठीक थी कि जो लोग ग्राउंड पे हैं वो उनसे बात करें। और मेरे ख्याल में अगर वफाक ने और मरकज ने सूबाई हकूमत और सूबाई लीडरशिप को मतम किया और उन्होंने उन लोगों को जो शाहजैन जैसे हैं जो अख्तर मैंगल साहब जैसे हैं जो यहाँ पे है इनको मतम किया तो जो लोग पहाड़ों में हैं या जो लोग बाहर बैठी हुए हैं वो खुद ब खुद गैर मुसर हो जाएंगे और टाकिंग इन टर्म्स आ जाएंगे सिर्फ आप बताएं आपके ख्याल में आई आई टोटली अग्री विद यू कि जो लोग ग्राउंड पे हैं उनसे बात की जाए लेकिन साथ ही ये बात भी है कि आपके नज़दीक उसके अलावा क्या होना चाहिए बाकी तो हमने बातें सुन ली इनसे जी लेट मी इट फ्रॉम जो बात सलीम साफ़ी साहब ने की जो मैंने पहले भी की कि जी आप देखें सीध एक होनी चाहिए ना वफाक की भी सूबाई हकूमत की भी और मिलिट्री स्टैबलिशमेंट की भी अगर फुली तरीके से बैक किया जाएगा इस करंट सूबाईकूमत को तो आई एम श्योर कि चीज़ें आगे जा सकती हैं और मैं बाई नेचर एक ऑप्टमिस्ट हूँ तो मैं होप यही करूँगा कि आगे ये बात जाएगी और आप देखें अभी सरदारों के ऊपर बात होती है वो एक और आर्ग्यूमेंट है मे बी किसी और प्रोग्राम में कर लेंगे बट जहाँ मेन इस वक्त इंसर्जेंसी पीक पे है बलूचिस्तान में वो वो एरियाज हैं जहाँ सरदारों का कभी ना माजी में रिट रहा है ना वहाँ सरदारी है, या है, तुर्ण, तुर्ण, तुर्ण तुर्ण है. है, अब अब हाँ. कुछ अर्सा पहले मैंने अभी जब डॉक्टर मालिक साहब नया ने नए नए उन्होंने अपना ये उहदा संभाला तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है और खुदा को पता है कि हम इलेक्शन किस तरह लड़के आए हैं और जो डिस्मल वोटर टर्नआउट है उन एरियाज में उसी से अंदाजा हो जाता है कि वहाँ किस हद तक के मामले खराब हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि जो ऑन ग्राउंड यहाँ बैठा है आप इस सूबाई गवर्नमेंट को इतना बैक करें इतना बाख्तियार करें कि वो उनसे तो बात शुरू करें ना कहीं से तो आपने बात शुरू करनी है सैफ मुझे एक बात बताए उसके अलावा उसको उस को डॉक्टर मालिक साहब डॉक्टर मालिक साहब आम कहते सुने गए हैं कि उन्होंने कहा कि जी असल मसला तभी हल होगा

इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल किया जाए नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में लेकिन अब ऑन ग्राउंड जो लोग बैठे हैं वो क्या हम सबके किसी के सरदार के कहने में अब हैं ये भी इसको भी इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए जरा मैं ले जी जी सही है मैं एक नुक्ता कि इससे बेहतर सेटअप और क्या आ सकते हैं जैसे अभी सैफ साहब ने बात की ना कि ज्यादा प्रॉब्लम जो है इस वक्त वो मकरान डिवीजन में है या उस बिल्ट में है जो जो मिडिल क्लास की आदत आई है, बनी है डॉक्टर मालिक साहब और ये लोग ये उस बेल्ट से है।, जो है, जो होना चाहते है वो इसीलिए नहीं नाकाम करेंगे डॉक्टर मालिक को वो नहीं चाहते कि जो नेशनलिस्ट वाला लेबल है हाँ। वो उसके अलावा कोई और इस्तेमाल कर सके वो तो उनकी अपनी वो है ना उस पर तो एक अलग डिबेट ये किस तरह के नेशनलिस्ट है कि खुद मैं पख्तून का स्कूल उड़ाता हूँ पख्तून के बच्चे का और मूंचू को ताव देता हूँ कि मैं पख्तून की खिदत कर रहा हूँ मैं बलोच का स्कूल उड़ाता हूँ बलोच के इदारे को तबाह करता हूँ और मैं मूनचू को ताव देता हूँ कि भाई मैं तो बलोच नस्त नस्टूँ मैं कहना ये चाह रहा था कि देखें वो मकरान बेल्ट से वो लोग रिप्रजेंट कर रहे हैं फिर इसमें चंगेज़ मरी साहब जो सरदारों को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो मरी को भी वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं रईसानी साहब लश्करी रईसानी साहब वो भी अब वहाँ पर हैं फिर अगर ये लोग उठ के रह जाते हैं अख्तर फिर पख्तून नेशनलिस्ट जो थे जो वहाँ की एक जैन पोलिटिकल फोर्स है महमूद खान जगजई साहब वो भी इस सेटअप का हिस्सा है तो रह जाते चंद लोग जमाली साहब वो लोग पहले से जो है आ गए हैं पहले वफाक के साथ थे मुस्लिम लीग कॉब के साथ थे अबनून के साथ आ गए हैं रह जाते हैं अख्तर मैंगल साहब और उनके लोग और शाहजैन साहब और इसी तरह के चंद और लोग अब अगर उस पोलिटिकल लीडरशिप को या सूबाई हुकूमत को इख्तियार दे दिया जाए और वो इन लोगों के साथ बैठ के तो मेरे ख्याल में तो पूरे बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी हो गई और जिस हल पे ये लोग मुंतक हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान में फिर कोई ए बी सी जो है उस सेटअप को या उन लोगों को चैलेंज कर सकेगा इसलिए हम कहते हैं कि ये आखिरी मौका और जो है जो ये करप्शन है जो खून लगा हुआ है मुँह को चाहे वो वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वहाँ पे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है शजन वो कैसे ख़त्म होगा देखिए जी उसके लिए चेक एंड बैलेंस करना चाहिए अगर वफाक का नुमाइंदा गवर्नर है गवर्नर को उस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और अगर वो नहीं रख सकते तो फेडरल गवर्नमेंट ख़ुद इसमें इंटरवीन करे वरना ये मसले का हल कभी भी नहीं निकलेगा और आ, आम आदमी को जो आ, मिल डिलीवर होना चाहिए वो उनको नहीं लोगों के बैंक अकाउंट्स में जाएँगे तो ये मेरा ख्याल है नाओ इट्स इनाफ कि जितनी करप्शन हुई माजी में बहुत हुई आगे से नहीं होनी चाहिए करप्शन के ख़ात्मे के लिए भी पहली ज़रूरत तो इस बात की है ना कि रियाती रेट इस्टेबलिश हो जाए फिर के केदारे बनाना और अदलिया को एहतराम और मुकाम देना ये तो फिर दूसरी बात हो जाती है ना। अब अगर ये पोलिटिकल पैचअप हो जाता है और सियासी सेटलमेंट हो जाती है और वहां पर रेट बहाल हो जाती है तो उसमें आप और बाकी वो भी कर सकेंगे। चले। तो करप्शन के खात्मे के लिए भी जरूरी है बहाल नहीं किया है तो तब तक आप वहां करुप्षन बहुत करुप्षन शुक्रिया। नहीं कर सकते। आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। नाजीन पांच छह बातें सामने आई एक तो ये है कि क्लीन गवर्नेंस होगी तभी बात चलेगी और जो सूबाई हुकूमत है ये आइडियली प्लेस्ड है इसको वफाक और फौज अगर अपनी पूरी सपोर्ट फेंकें इनके पीछे तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं ये भी पॉइंट आउट किया गया कि जिस बेल्ट में सबसे ज़्यादा अनरेस्ट है वो मिडिल क्लास बेल्ट है जहाँ पे डेवलपमेंट तालीम बाकी इलाकों से फिर भी बेहतर है और ज़्यादा उसमें पॉजिटिव उसकी अप्रोच है जो निज़ाम की हालत है इस वक्त अगर आप टॉप ब्योक्रेसी देखें आप सी सी पी कोटल को लें आप आई जी से को लें आप चीफ सेक्रेटरी को लें बड़े प्रोफेशनल लोग हैं जो क्यादत आई है बिल्कुल साफ़ अभी तक उस पर कोई दाग नहीं है हमारी इतलात ये है कि अभी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से हैं कि एक बहुत बड़ा वाक़ आने वाले दिनों में कोयटा में हो सकता है और उसमें मुझे इजाज़त नहीं है इस शर्त पर इंफॉर्मेशन शेयर हुई थी लेकिन उसमें दो बहुत ही कलीदी इसी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो टारगेट होंगे ये जो बचियाँ भी टारगेट हुईं ये भी इसमें कोई शिया बच्ची नहीं मरी हालांकि लश्कर जंगवी का था क्योंकि सिर्फ एक हफ़्ता पहले बस चेंज हो गई थी तो कुछ किस्मत चल रही है कुछ वहाँ कि कहीं दुश्मन के वार नाकाम हो रहे हैं असल चीज़ यह है कि बलोचिस्तान को एक पॉजिटिव क्लीन गवर्नमेंट चाहिए और नेक नीयत चाहिए जिसमें आर्मी लीडरशिप कमांड उतनी ही रिस्पॉन्सबल है जितनी कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट सेंटर में और डॉक्टर अब्दुल मालिक की अगर ये तीनों लोग मिल के इकट्ठे काम करेंगे तो बलोचिस्तान को बदलना कोई मसला नहीं वहाँ का मसला नवाब सरदार या मिडिल क्लास नहीं है वहाँ का नब्जा मसला सिर्फ बदनीति और करप्शन है अल्लाह हमें अपनी अमान में रखे इजाज़त दीजिए खुदाफिज